老朋友。आज तुमने खाना भी नहीं खाया और शाम से चुप चुप भी हो, आखिर हुआ क्या है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बार बार रोज की याद आ रही। भाई ये तो दो बातें हो गई, अगर दिल घबरा रहा है तो मेडिसिन ले लो, और अगर रूज की याद आ रही है तो उसे कॉल कर लो। मुझे क्यों लग रहा है कि रूज परेशान है? अल्लाह ना करे नसीमा, रूज अपने ससुराल में खुश है। अब तुम्हारे वहम को दूर करने का तो एक ही इलाज है, उसको कॉल कर लो। वो कॉल भी नहीं उठा रही है, मेरा दिल और परेशान हो रहा है। अरे भाई कहीं मसरूफ होगी। एक तो तुम माओं को बेटियों की तरफ से फौरन परेशानी हो जाती है, ये टेडी बियर किसके लिए? अली से नहीं तो मैं उरूज के लिए थी। मगर डॉक्टर की रिपोर्ट्स ने तो सारे ख्वाब ही तोड़ दिए। आपकी, सलमान की, मेरी, सबकी खुशियां ही तबाह हो गई। ऐसा ही है अली से। आप भी बहुत सारे टॉयज लेकर आई थी ना, ऐसे काम करें स्टडी बियर को भी उसी टॉयज में रखते हैं। पता है अगर मुझे पता होता ना ये बात, उरूज मां नहीं बन सकती, तो एटलीस्ट मैं अपना पैसा, अपना टाइम जाया तो नहीं करती इस लड़की के ऊपर। सब कुछ जाया हो गया। बसाई, बसाई उठाए सारे खिलौनों को और उतारे इन तस्वीरों को भी। जी बड़ी बीबी साहिबा। क्यों हटवा रही हैं खिलौने आप? ऐसा क्या हो गया है? जब तुम्हारे यहाँ औलाद ही नहीं हो सकती तो देखो इन खिलौनों को कितने गैर मुनासिब लग रहे हैं तुम्हारे कमरे में, जैसे अंधे के हाथ में दूरबीन। हाँ मगर इन खिलौनों को तुम मत उठवाए ना। मैं हर उस चीज को इस घर से दूर कर दूंगी जिसने मुझसे दादी बनने की खुशी छीन ली है। उठाइए सारे खिलौने और जाके स्टोर रूम में फेंक दें। जी
यार सलमान क्या है यार, मैं तुम्हारे पास कुछ वक्त अच्छा गुजारने आया हूँ और तुम यहाँ ऐसे खड़े हुए मुंह लटकाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है, कोई बिजनेस प्रॉब्लम है? जिंदगी खुद एक बिजनेस है। देखो ये मुश्किल बातें करके ना प्लीज मेरी मुश्किल ना बढ़ाओ। मसला क्या है या मुझे ये बताओ, तुम्हें बच्चा अडॉप्ट करने की कोई नॉलेज है? ओह, तो ये परेशानी है तुम्हारी। मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दो। मुझे लगता है तुम्हें डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। एग्जैक्टली, मुझे सारी लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों चाहिए ये सवाल मैं उस दिन करूंगा जब तुम्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। आरुज बोलो। सलमान मुझे अम्मी की तरफ जाना है। तो ठीक है तुम चली जाओ। मुझे ये बताओ कि घर पे गाड़ी है या ऑफिस से भिजवा दो? नहीं नहीं, गाड़ी तो है घर पर, बस तुम्हारी परमिशन चाहिए थी। तुम्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। मुझे पता है तुम कभी मना नहीं करते, बस तुमसे परमिशन लेना अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज। कहीं जा रही है रोज? क्यों, तुम्हें बताना जरूरी है? बहुत परेशान लग रहे हो रोज, क्या हुआ? बाय द वे, मेरी परेशानी में तुम्हें क्या दिलचस्पी है? सलमान दोस्त है मेरा और तुम उसकी वाइफ, दिलचस्पी तो बनती है ना? अगर तुम्हारे गैर जरूरी सवाल खत्म हो गए हो तो मैं जाऊं? मजार पे जा रही हो क्या? क्यों, दुआ मांगने के लिए उरूज? देखो अब मिरेकल्स ही तुम्हारे केस को बचा सकते हैं, राइट? मेडिकल साइंस ने तो तुम्हारे केस को इनकार कर दिया है। मुझे अपने अल्लाह पर बहुत भरोसा है और वो साइंस से कहीं ज्यादा आगे है। मुझे आंटी के ना बिहेवियर पे बहुत अफसोस हुआ है, जब सारे खिलौने उठा के फेंक दिए। सो रॉन्ग, तुम्हारा तो दिल भी दुखा होगा ना बहुत। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं। तुम देखना, तुम्हारे सामने यही खिलौने इंशाल्लाह वापस मेरे ही कमरे में आएंगे। अरे वो तो तुम अभी भी जाके ला सकती हो रोज। लेकिन उससे खेलने वाला कहाँ से लाओगी?